acute. देखिए, एक बात आपने हमेशा अपने माइंड के अंदर रखनी है, जहां पर भी सर्जरी के अंदर लफ्ज अक्यूट आता है ना, जहां पर भी सर्जरी के अंदर वर्ड अक्यूट होगा, उसका मतलब ये होगा कि ये सडन है, ठीक हुआ, उसका मतलब ये है कि ये इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। ये दो बातें आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है, यहाँ पर भी आप वर्ड अक्यूट लफ्ज पढ़ोगे, वहां पर सर्जरी के अंदर आगे लिख लें कि उसका मतलब होता है ये सडन हुआ है, एकदम हुआ है, और ये क्या एक तरह की इमरजेंसी कंडीशन है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि हाँ जी जनाब, ये एक इमरजेंसी की कंडीशन है, ये इसको हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का अक्यूट। अब आपने ये कहना है कि एक तरह का अक्यूट अब्डोमिन का मतलब क्या है, अक्यूट अब्डोमिन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि सवियर सडन अक्यूट अब्डोमिनल पेन। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरह एक एग्जाम्पल लें कि एक बच्चा है, ठीक हो, एक बंदा है, जैसा कि आप अपनी एग्जाम्पल ले लें कि आपको इतनी सवियर एकदम पेन स्टार्ट हो गई, ठीक हो गया, तो आपको क्या हुआ, वो इमरजेंसी हो गई या आप बिल्कुल आराम से बैठे रहे होंगे घर में, बल्कि वो एक इमरजेंसी की कंडीशन होगी। जैसा कि एक बंदा कहे कि मेरे पेट के अंदर बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रही है और एकदम शुरू हुई और मेरे वो कंट्रोल में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ऐसी कोई भी पेट की बीमारी जिसकी वजह से सीवियर और सडन इतनी पेन हो कि बंदे को हॉस्पिटल जाना पड़े, उसको हम कहते होते हैं अक्यूट एब्डोमिन, ठीक हो गया जी। तो आपने कहना है कि जनाब एक तरह का सडन, आपने इसके साथ जो कहना है वो क्या कहना है, एक तरह का सडन, उसके बाद आपने कहना है सवियर एब्डोमिनल पेन, सवियर एब्डोमिनल पेन, उसके बाद आपने कहना है कि ये जनाब एसोसिएट जो होती है वो मोस्टली नोजिया और वॉमिट के साथ होती है, नोजिया और वॉमिट के साथ होती है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का अक्यूट एब्डोमिन कहते होते हैं। तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को काफी हद तक पता चल गया होगा कि अक्यूट एब्डोमिन का क्या मतलब होता है। तो आप लोगों ने ये कहना है कि अक्यूट एब्डोमिन वो कंडीशन होती है जब किसी भी बंदे को एक तरह की सीवियर पेन हो और वो एक सडन पेन हो, तो उसकी वजह से जो बंदा हो उसको एक तरह का हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, उसको हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का अक्यूट एब्डोमिन कहते होते हैं। अच्छा जी, अब आगे कुछ आपको पता होना चाहिए कि ना अब्डोमिन का जो हिस्सा है उसके अंदर आपके क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, मतलब कि आपके कितने तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको एक तरह का डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये किसकी पेन है, ये किस हिस्से की पेन है, और इस हिस्से के अंदर कौन से ऑर्गन होते हैं। इंशाल्लाह जब आज आप ये लेक्चर सुनेंगे, उस लेक्चर के बाद आप लोगों को 90% मैं गारंटी के साथ कह सकूंगा कि जब भी आपको कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा और आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पेन हो रही है, तो कम अज कम आपको ऑर्गन का पता चल जाएगा कि ये जो पेन हो रही है वो कम अज कम किसकी वजह से हो रही है, ठीक हो गया। तो कम से कम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपको मैं ये कहता हूं 90% आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो पेन हो रही है वो किस वजह से हो रही है। तो अब हम आते हैं, फॉर एग्जांपल इसको दिखाने से पहले ना, ये जो बात अभी मैं करने लगा हूं, इसको करने से पहले मैं आप लोगों को एक पिक्चर शो करूंगा जिसमें आप लोगों को बिल्कुल सही पता चल जाएगा कि हां जी जनाब ये एक तरह का सीन क्या है। अभी मैं आप लोगों के साथ एक पिक्चर शेयर करता हूं, उसमें आप लोगों को सही पता चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपने ना इस तरह समझना है, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये जनाब एक तरह का ना एक कंपार्टमेंट हम ड्रा करने लगे, हमने एब्डोमिन को देखना है कि आपका जो एब्डोमिन होता है हम मेन उसको देखेंगे। तो एब्डोमिन के अंदर जब आप आते हो तो आप लोगों को एक चीज का पता होना चाहिए कि आपके एब्डोमिन के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो हिस्से होते हैं, वो 9 पार्ट्स होते हैं मेन, समझ आ रही है, वो 9 कितने पार्ट्स होते हैं आपके, 9 पार्ट्स मेन होते हैं। आपने सबसे पहले इधर से इस तरह आप शुरू करें, ठीक है, मैं साथ साथ आपको दिखाता जाऊंगा, उसके बाद हम जो मेन है वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं पिक्चर जो है वो गूगल की वो भी दिखा दूंगा, फिर उधर से आप लोगों को सही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जनाब ये एक तरह की पिक्चर अगर आप देखें, हम इसको इस तरह शो करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये देखें। अच्छा, सबसे पहले ना आपने इस तरह देखना है कि फॉर एग्जांपल हम एक ये इधर लाइन लगा देते हैं जी, ठीक हो गया, हमने ये क्या किया, एक तरह की इधर लाइन लगा दी है, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने ये क्या करना है कि सबसे पहले इसको एक तरह का ये एक इस तरह लाइन लगा दें, ठीक है, ये आपने एक तरह की क्या कर दी, एक तरह की लाइन लगा दी। अब आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसके ऊपर क्या होता है, आपका एक तरह का डायाफ्राम होता है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर क्या एक तरह का डायाफ्राम है, ठीक हो गया। और ये जो हिस्सा, फॉर एग्जांपल आपने कहना ये डायाफ्राम है और ये पूरे का पूरा बंदे का क्या एक तरह का एब्डोमिन है, ये पूरे का पूरा जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, एक तरह का एब्डोमिन कहेंगे। अब आपने ये कहना है कि फॉर एग्जांपल कि ये वाला जो हिस्सा होगा, इस हिस्से को हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन,
इस हिस्से को हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का एपिगैस्ट्रिक रीजन, मतलब के जो आपका जहां से आपका एब्डोमिन स्टार्ट होता है उस हिस्से को हम कहते होते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, इसको हम क्या कहेंगे, एक तरह का एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो इसको आपने कहना है कि ये वाला जो रीजन है उसका नाम क्या होगा, एक तरह का एपिगैस्ट्रिक रीजन हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने आना है ये राइट साइड पर, इस साइड पर आना है आपने, राइट साइड पर आना है। जब आप राइट साइड पर आओगे तो ये राइट साइड पर जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम कहते होते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। क्या कहते होते हैं, आपका RHC, RHC का मतलब होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, समझ आ गई है। तो आपने जो बिल्कुल राइट साइड पर ये वाला जो पार्ट होता है उसको आपने क्या कहना है, एक तरह का राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। उसके बाद राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को आप एक और नाम से भी किसी किसी बुक में लिखा हुआ है, जो दूसरा नाम होता है उसको हम कहते होते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन। क्या होता है, आपका राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन। अब देखें इसी तरह ये वाला जो हिस्सा हो गया ये हो जाता है आपका लेफ्ट, और लेफ्ट का हिस्सा क्या होगा, ये वाला, इसको हम कहते होते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक हो गया, या लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट रीजन। ये आपने इस तरह समझना है। कुछ बच्चों को भी समझ नहीं आ रही होगी लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा गौर करना है, और उसके बाद हम पिक्चर की तरफ जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक हो गया। आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल जहां पर आपका डायफ्राम खत्म होता है, ठीक हो गया, आपका डायफ्राम एक तरह का खत्म हुआ, उसके बाद उससे नीचे बिल्कुल जो सेंटर वाला हिस्सा होता है, बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा, उस हिस्से को हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। उस सेंटर वाले हिस्से से जो राइट साइड की तरफ जो हिस्सा होता है उसको हम कहते होते हैं एक तरह का राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और जो लेफ्ट साइड पर होता है उसको हम कहते होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। अच्छा जी, अभी तक हमने तीन हिस्से डिस्कस कर लिए, ऐसे ही है। अब जो तीन हिस्से हमने इधर डिस्कस किए हैं ना, सेम टू सेम यही तीन हिस्से अब हम पिक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि हाँ जी जनाब उधर क्या है। अब देखें कि फॉर एग्जांपल ये सेम टू सेम यही जो तीन हिस्से हैं वो हम आपके पिक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, वहां पर फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो आप लोगों को मेरे ख्याल में ये तीन हिस्सों का पता चल गया होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम, मैं दोबारा इधर से एक तरह की पिक्चर ड्रा करता हूँ, और उसके बाद ये देखें कि ये एक तरह का, इस तरह का एक पार्ट था, ठीक हो गया। और हमने क्या देखा, हमने देखा कि फॉर एग्जांपल ये है क्या, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले ये काम किया कि एक लाइन इधर से ऐसे लगाई, ठीक हो गया, एक लाइन इधर से ऐसे लगाई, और उसके बाद हमने इसको एक तरह का दो हिस्सों के अंदर इस तरह डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों को ये हिस्से का पता होना चाहिए कि ये हिस्सा कौन सा है, आपने कहना है एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला क्योंकि राइट साइड है, इसको आपने कहना राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन या राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक हो गया। अब देखें ये, अब एपिगैस्ट्रिक रीजन से नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते होते हैं एक तरह का आपका अम्बिलिकल रीजन। क्या कहते हैं, आपका एक तरह का अम्बिलिकस रीजन। आपने कहना है ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्या कहेंगे, एक तरह का अम्बिलिकस रीजन। क्या कहेंगे, आपका एक तरह का अम्बिलिकस रीजन, ठीक हो गया जी। अब देखें इस हिस्से के बिल्कुल जो राइट साइड पर हिस्सा होगा ये वाला, इसको हम कहते होते हैं राइट लंबर पार्ट, राइट लंबर क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, एक तरह का लंबर क्वाड्रेंट। अच्छा ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा ऐसे होता है जैसे कि यहाँ पर किडनी के अंदर जो पेन होती है, जैसे हम कहते हैं ना यहाँ पर मेरे किडनी के अंदर पेन हो रही है, ये वाला सीन होता है। लेकिन हम ये फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, अभी आप लोगों को थोड़ी देर के अंदर फुल पता चल जाएगा कि हाँ जी जनाब इसके अंदर होता क्या। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते होते हैं लेफ्ट लंबर क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। इसको हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का लेफ्ट लंबर क्वाड्रेंट, या लेफ्ट लंबर एरिया भी कह सकते हो, लेफ्ट लंबर क्वाड्रेंट भी कह सकते हो। अब यहाँ तक आपके कितने एरियाज हो गए, आपके सिक्स एरिया हो गए। फॉर एग्जांपल सबसे जो पहला एरिया था उसको हम क्या कहते होते थे, एक तरह का एपिगैस्ट्रिक रीजन। जो उसके बिल्कुल साथ वाला जो रीजन होता था उसको हम क्या कहते होते थे, राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन। जो आपके लेफ्ट पर होता था उसको हम क्या कहते होते, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट रीजन। आप हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन भी लगा सकते हो। अब उससे नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसका नाम क्या होता है, आपका अम्बिलिकस रीजन। अम्बिलिकस रीजन के बिल्कुल जो साथ वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, राइट लंबर क्वाड्रेंट रीजन। और जो लेफ्ट साइड पर होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का लेफ्ट लेफ्ट लंबर क्वाड्रेंट रीजन, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं जनाब नीचे की तरफ। और तो अब जब हम और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, सबसे पहले आपने आना है और नीचे की तरफ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो हिस्सा होगा इसको हम कहते होते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। क्या कहते हैं, एक तरह का हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। जो ऊपर वाला हिस्सा था उसका नाम क्या था, एपिगैस्ट्रिक रीजन। जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है उसका नाम क्या, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक हो गया। अब हम आते हैं राइट साइड पर, तो जब हम उसके बिल्कुल राइट साइड पर आएंगे तो यहाँ पर हमें जो मिलता होता है इसको हम कहते होते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट, सॉरी
राइट लोअर क्वाड्रेंट, हम क्या कहेंगे राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लंबर क्वाड्रेंट कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का राइट लोअर क्वाड्रेंट। राइट लोअर क्वाड्रेंट के साथ साथ इसका एक और नाम होता है, इसको हम कहते होते हैं राइट इलियक क्वाड्रेंट, ये भी कह सकते हो, आप दोनों में से जो बेहतर आपको लगे वो कह सकते हो। ये वाला जो हिस्सा होता है जो लेफ्ट साइड पर, इसको हम कहते हैं लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट या लेफ्ट इलियक क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को कम से कम ये क्वाड्रेंट्स का पता चल गया होगा कि हाँ जी जनाब ये क्वाड्रेंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का एपिगैस्ट्रिक रीजन। उसके बाद जो एपिगैस्ट्रिक रीजन के साथ वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन। जो लेफ्ट साइड पर हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट रीजन। उससे जो नीचे आ गया उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का अम्बिलिकस रीजन। और अम्बिलिकस रीजन के जो राइट साइड वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं राइट लंबर क्वाड्रेंट रीजन। और उसके बाद जो लेफ्ट साइड पर होता है उसको हम कहते हैं लेफ्ट लंबर क्वाड्रेंट रीजन। ये वाला जो हिस्सा होगा उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का जो नीचे की तरफ होगा उसको हम कहते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट रीजन या हाइपोगैस्ट्रिक रीजन या लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट रीजन। अब मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसके अंदर कम से कम ये सारे क्वाड्रेंट्स तो आप लोगों को पता चल गए होंगे। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से कोई बंदा पूछता है कि हाँ जी आपके एब्डोमिन के कितने क्वाड्रेंट्स हैं, तो आप लोग कितने बताओगे? शाबाश, ये मुझे बताइए जरा। हाँ जी, आपके एब्डोमिन के कितने? आपके एब्डोमिन के 9 क्वाड्रेंट्स है, सिंपल सी बात है। ठीक हो गया, तो आपने कहा है कि आपके जो एब्डोमिन है उसके कितने क्वाड्रेंट्स है, आपके 9 क्वाड्रेंट्स है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने कहना है कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन मिलता है, फिर आपको राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन मिलता है, फिर आपको लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट रीजन मिलता है, फिर आपको अम्बिलिकस रीजन मिलता है, फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट रीजन मिलता है। ये सारे क्वाड्रेंट्स आपने बताने हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर करता हूँ, इंशाल्लाह उसमें आप लोगों को सही पता चल जाएगा कि हाँ जी जनाब ये चल क्या रहा है। ठीक है, इसमें अभी देखते हैं। अच्छा, मुझे अब आप लोगों ने बताते जाना ये वाले हिस्से का क्या नाम था। शाबाश, इस रीजन का नाम क्या था जहां पर मैंने अभी मार्क किया है, वो वाले रीजन का नाम बताएं। एपिगैस्ट्रिक। प्लीज जो माइक है वो बंद रखें, वैसे बता दें। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक रीजन। अब इसके जो साइड वाला राइट वाला हिस्सा, इसका नाम क्या है? जल्दी करें टाइम। आपने क्या कहना है, जो राइट वाला हिस्सा इसका नाम क्या है, एक तरह का राइट वाला, ये वाला जो अभी जहां पर मैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। क्या होता है? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये वाला जो हिस्सा, इसका नाम क्या है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये वाला जो हिस्सा, इसका नाम क्या है? ये वाला हिस्सा जो है इसका नाम बताएं। शाबाश, इस वाला लेफ्ट लंबर क्वाड्रेंट रीजन। ये वाला जो हिस्सा, इसका नाम क्या है? अम्बिलिकस रीजन। क्या होता है? आपके एक तरह का अम्बिलिकस रीजन। अच्छा जी, और उसके बाद अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये वाला जो हिस्सा, इसका नाम क्या है? राइट लंबर क्वाड्रेंट रीजन। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये कौन सा होता है? आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक हो गया, अब देखें कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो हिस्सा, इसका नाम क्या? आपका एक तरह का राइट इलिया, सॉरी लेफ्ट इलियक रीजन, राइट इलियक रीजन। अच्छा, ये सारा कुछ हमें मतलब के ये इतना रीजन जानने का हमारा मेन जो मकसद है वो क्या है, हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ये बेसिकली इसका पर्पज क्या होता है। बेसिकली भाईजान, इसका जो पर्पज होता है, ठीक हो गया, वो ये होता है। अभी आप लोगों को पता लग जाए कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक तरह का जो आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है उसमें कौन कौन से आर्गन आते हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे, ये वाला जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है ना, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से आर्गन होते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, तो अब मुझे बताएं कि जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ दो बातों के अंदर आप लोगों को इसका इजिली कवर हो जाएगा। कौन कौन सा? ठीक हो गया, कि आपका इस तरह से इसका कौन कौन सा आपकी गाल ब्लैडर। ठीक हो गया, नंबर थर्ड यहाँ पर क्या आता है? नंबर थर्ड यहाँ पर आती है आपकी बाइल डक्ट। क्या आती है? आपकी एक तरह की बाइल डक्ट आती है। और नंबर फोर यहाँ पर क्या आ रहा होता है? बल्कि ये नंबर फोर जो मैं बिल्कुल ऊपर लिखूंगा, यहाँ पर आते हैं लंग्स का लोअर लोब। क्या आता है? लंग्स का लोअर लोब। अब आप इसको इस तरह देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल जो फेफड़ा शरीफ है ना, वो तकरीबन ये इस तरह आता है। ठीक हो गया, ये इस तरह आता है आपका लंग्स, और ये जनाब इस तरह लंग्स आ रहे होते हैं। ठीक है, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर क्या होता है जी? यहाँ पर इस तरह होता है कि ये जो लीवर होता है वो बिल्कुल एक तरह का ऐसे बना हुआ होता है। ठीक हो गया, ये क्या होता है? आपका एक तरह का लीवर हो गया। उसके बाद लीवर के बिल्कुल साथ क्या होता है? लीवर के साथ बिल्कुल जो होता है वो एक तरह का स्प्लीन होता है। ठीक हो गया, उसके बाद आपका आगे क्या होता है? आगे जो होता है वो जनाब आपका
ये बाइल डक्ट होती है, एक यह बाइल डक्ट होती है, ये बाइल डक्ट इनसे मिल जाती है और उसके बाद क्या मिलती है, ये बाइल डक्ट ऐसे आ रही होती है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, राइट किडनी यहाँ पर नहीं होती शहबाज, ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या पता चला कि यहाँ पर मेनली आपके कितने ऑर्गन हुए, आपके कितने पार्ट्स हुए। आपने कहना है कि मेनली आपके जो पार्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं लंग्स होता है, ठीक हो गया, यहाँ पर लीवर होता है, यहाँ पर गाल ब्लैडर होता है, यहाँ पर क्या होती है एक तरह की बाइल डक्ट्स होती हैं, ठीक हो गया, बाइल की डक्ट्स होती हैं। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर इश्यू हो रहा है, मतलब कि पेन हो रही है, आपके पास एक पेशेंट आया उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर पेन हो रही है, तो अब मुझे आप लोगों ने समझदारी से थोड़ा सा सोच समझ के बताना है कि उसके कौन कौन से ऑर्गन्स की वजह से हो सकती है पेन। शाबाश, ये बताइएगा जी, थोड़ा सा सोच के बताएं। हाँ जी, उसके लीवर से हो सकती है, उसके गाल ब्लैडर से हो सकती है, उसके बाइल डक्ट की वजह से हो सकती है, उसके लंग्स की वजह से हो सकती है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आप लोगों को पता चल गया कि जनाब ये 3 से 4 जो वजूहत है इसकी वजह से होगी। तो कभी भी फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेशेंट आता है तो आपने ये नहीं कहना कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में अगर पेन है तो हाँ जी जनाब वो ब्लैडर की पेन है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना। ये जनाब राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर पेन हो रही तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेन हो रही है, या फिर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर पेन है तो लार्ज इंटेस्टाइन की पेन हो रही, ऐसा नहीं जाना आपने, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके जो लंग्स का यहाँ पर लोअर लोब होता है इसका मोस्टली क्या हो जाता है, एक तरह की इन्फेक्शन हो जाती है आपके। जब आपके लंग्स की इन्फेक्शन हो जाती है तो इसको हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का आप इसको कहते होते हो, जब आपके लोअर लोब की इन्फेक्शन होती है इसको हम कहते हैं लंग्स के पैरेन्काइमा की, इसको हम कहते हैं नमूनिया। कभी आपने सुना हो नमूनिया के बारे में कि नमूनिया क्या होता है, ठीक है। तो आपने कहना है कि जब आपके लंग्स की इन्फेक्शन हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सादा जुबान के अंदर उसको हम कहते होते हैं नमूनिया हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अगर तो फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे आपने बताना, अगर तो फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट हमारे पास आया, ये एमसीक्यूज है जनाब, ये लिख लीजिएगा, अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है, ठीक हो गया, वो पेशेंट है जिसको हाई ग्रेड फीवर है, ठीक हो गया, उसके बाद उसको जनाब सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, उसको कफ है और वो कह रहा है कि मुझे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन वाले, ये उसने तो नहीं कहना कुछ को, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऐसे आएगा कि एक पेशेंट है वो जनाब प्रेजेंट करता है, उसको जनाब हाई ग्रेड फीवर है और उसके बाद जनाब जब वो उसको डिसनिया हो रहा है और जब जनाब वो सांस लेता है तो उसके साथ उसको पेन होती है, ठीक हो गया, और उसके बाद वो क्या कहेगा, उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर पेन है, तो इसका डायग्नोज क्या होगा। आपने कहना है राइट लोअर लोब नमूनिया है, ये क्या है आपका, बेजल नमूनिया आप कह सकते हो, समझ आ रही है, बेजल नमूनिया आप इसको कहते हो या लोअर लोब का नमूनिया कहते हो। तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ जी जनाब ये क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल कभी भी हमारे पास पेशेंट ऐसे आता है, वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, मुझे सर्दी लगती है, मुझे जनाब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जब मैं सांस लेता हूँ तो मुझे दर्द होती है, और वो कहता है कि ये जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, तो उसने हाथ लगाना है ना, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये जो यहाँ पर हाथ लगा रहा है वो हिस्सा कौन सा, आपने कहना राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, तो आपने कहना इसको क्या, एक तरह का नमूनिया है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपको नमूनिया मेन क्वेश्चन इधर से आता है जो कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज है, ये बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, आगे आ जाए, आगे क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा काला यरकान, नीला यरकान, पीला यरकान, सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ हमारी आसान भाषा के अंदर। तो जब हम यरकान की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, हेपेटाइटिस, ठीक हो गया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को हेपेटाइटिस हो गया तो उसको पेन कहाँ होगी, हाँ जी उसको पेन कहाँ होगी, सिंपल सी बात, उसको जो पेन होगी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर होगी, और कहाँ पर होनी है। तो आपने कहना है अगर फॉर एग्जाम्पल कभी भी किसी भी तरह का एक तरह का लीवर का इशू होता है, ठीक हो गया, लीवर का मसला होगा, तो जो पेन लगानी है वो कहाँ पर लगानी है, आपने कहना है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर पेन होगी, ठीक हो गया। तो देखें आपने कहना है ये लीवर का कौन कौन से मसले आ सकते हैं, अब मैं लीवर के मसले जो है वो लिखने लगा हूँ कि कौन कौन से लीवर के मसले आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेशेंट आता है वो कहता है कि जनाब नंबर वन हेपेटाइटिस का पेशेंट है, ठीक हो गया, नंबर वन। नंबर टू अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि हाँ जी जनाब एक बंदे को हिपेटिक सेलुलर कार्सिनोमा है, ठीक हो गया, एक क्वेश्चन अपने माइंड में रखिए। हर कैंसर के अंदर बंदे का वेट कम होता है, ठीक हो गया, हर कैंसर के अंदर बंदे का वेट कम होता है। और एक बात और लिख लें, जितने भी आपके एब्डोमिनल कैंसर होते हैं वो 90% आपके लेट एज में होते हैं। लेट एज का मतलब ये होता है कि वो एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन करेगा वो क्वेश्चन के अंदर लिखेगा अ 55-year-old पेशेंट, अ 50-year-old पेशेंट, समझ आ रही है। तो कभी भी 90% जो आपके एब्डोमिनल के जो कैंसर होते हैं, एब्डोमिन के जो ऑर्गन के कैंसर होते हैं, वो हमेशा आपकी ओल्ड एज के अंदर होते हैं, ठीक हो गया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहता है, एक क्वेश्चन है वो कहता है कि हाँ जी जनाब एक 55-year-old का बंदा है, वो जनाब आपका एमरजेंसी
इमरजेंसी डिपार्टमेंट पेशेंट प्रेजेंट करता है, ठीक हो गया, उसका वेट जो है वो कम हो रहा है, उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर पेन है, वेट कम हो रहा है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर पेन, और उसके साथ उसको भूख नहीं लग रही। कैंसर का एक और जो निशान होती है वो एनोरेक्सिया होता है, बंदे को भूख नहीं लगती होती, ठीक है। ये कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये दो चीजें आई, एनोरेक्सिया विद वेट लॉस आप और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर पेन, आपने आंखें बंद करके हेपेटिक सेल और कार्सिनोमा आंसर लगाना है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप लोगों को पता चल गया, ठीक है, कि ये क्या होगा। लीवर के बारे में मेन यही बात होगी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस हो जाता है, अगर किसी बंदे को हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है, ठीक हो गया, और इसकी वजह से कभी कभी आपका लीवर साइज में बढ़ जाता है। कभी कभी आपने सुना ना, वो कहते हैं जिगर साइज में बढ़ गया जी, सुना है कि नहीं सुना? ये तो पाकिस्तान में ज्यादा होता है, और ये पाकिस्तान में मोस्टली फीमेल होता है, और उन फीमेल को होता है जो फीमेल ज्यादा मोटापे का शिकार होती हैं। तो जब लीवर साइज में बढ़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हिपेटोमिगैली, क्या कहते हैं, एक तरह का हिपेटोमिगैली, ठीक होगा। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि हां जी जनाब, लीवर के अंदर कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो बीमारियां होंगी जिसकी वजह से हमें राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर पेन होगी। तो आपने कहना लीवर की वजह से आपका होगा एक तरह का, फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस नंबर वन, हेपेटिक सेलुलर कार्सिनोमा नंबर टू, उसके बाद हिपेटोमिगैली आ सकता है। तो यहाँ पर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर